बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी पर अभद्र शब्दों से भरी गाली देने वाले 10 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों में से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी पर अभद्र शब्दों से भरी गाली देने पर 10 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों में से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक जुलूस के दौरान सपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सदर कोतवाली में एक तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए एएसपी बलिया और सीओ सदर बलिया के नेतृत्व में आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मैफोर्स के द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोगों के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। इस संबंध में थाना कोतवाली बलिया पर दिनांक 4 तारीख को 4 जुलाई 2021 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें धाराएं 147, 148, 149, 342, 500, 504 और 506 इन धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। इसमें 8 मुलजिम, इसमें टोटल कुल 10 मुलजिम नामजद थे, जिसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी इसमें 10 नामजद हैं और काफ़ी लोग इसमें सैकड़ों अराजक का तो नाम बता ज्ञात है, तो अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कौन लोग थे। इसके अलावा हम और भी तरीक़ों से वहाँ पर कितनी इनकी मौजूदगी थी जिस जगह पर ये अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और वहाँ जो भी लोग मौजूद थे उन सबको चिन्हित करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई। इसमें एक जो प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी हैं उनके संबंध में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।